तो गाइज यहाँ हम निकल पड़े हैं वेगस मॉल के लिए और अब हम आपको दिखाएंगे वेगस मॉल का नज़ारा। उससे पहले चलो शुरू करते हैं, हम पार्क में थोड़ी मस्ती कर ली जाए और उस मस्ती करने के बाद हम तो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा हम वेगस मॉल में जाने के लिए तैयारी करेंगे और वहाँ पर जाकर फिर इंजॉय करेंगे, काफ़ी सारी शॉपिंग करेंगे, बच्चों को आइसक्रीम दिलाएंगे और भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, वहाँ पर टॉयज़ भी है। यहाँ पर देखो सिम्बा एक्सरसाइज कर रहा है, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ कि कहीं उसके हाथ से छूट ना जाए क्योंकि ये बड़े लोगों की एक्सरसाइज करने का है यहाँ पे, और अगर इसके हाथ से छूट गया तो इसको चोट लग सकती है। यहाँ पर मैंने भी ट्राई किया थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, मैंने सोचा चलो मैं भी करके देखती हूँ कैसा लगता है। यहाँ पर मैंने किया कम से कम 15 to 20 टाइम्स मैंने ये किया, बट क्या करूँ इस एक्सरसाइज को करने के बाद तो मेरे कंधों में ही दर्द होने लगा था, फिर मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इन्हीं की वीडियो शूट की, एंजल की, परी की और सिम्बा ने जो भी किया इन्हीं की मैंने वीडियो शूट किया। उसके बाद हमने पूरे पार्क का भी जो है चक्कर पूरा किया। एक यहाँ पर परी एक्सरसाइज कर रही है, एंजल भी आ गई है, ये देखिए दोनों का किस तरह से जुगलबंदी चल रही है, दोनों फुल एंजॉय कर रही हैं एक्सरसाइज करते हुए। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि पार्क बहुत अच्छा है और हम सब ने काफ़ी एंजॉय किया है यहाँ पे। आप भी आइए कभी, देखिए किस तरह का पार्क है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है पार्क में घूमना। और यहाँ पर ग्रीनरी इतनी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती, सही होता है यहाँ पे, सही है क्या। एंजल ने तो झूला भी झूला यहाँ पर, ये देखो परी ये वाला स्टंट करने जा रही थी, इस पर गोल गोल घूम के इस तरह से ये बीच में लटक गई, ओ माय गॉड गिरने वाली थी लेकिन ये संभल गई, और संभलने के बाद इसने ये सभी जो डंडे थे इसने सबको टच किया, ये देखो एक भी इसने छोड़ा नहीं, और ये इसने टच करके छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे परी एंजल फिर से आ गई है एक्सरसाइज करने के लिए, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये वाली करने में, इवन ये गलत खड़ी है, ये सही से खड़ी भी नहीं हो पाई, इसको डर लग रहा था कि अगर मैं, ये देखो अब इसने हाथ थोड़ा आधे हाथ टच करके इसने तभी एक्सरसाइज की। तो यहाँ से पकड़, मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्क में भी बहुत इंजॉय किया हम सब ने, एक्सरसाइज की, घूमे, इवन पूरे पार्क का हमने एक राउंड लिया। देखो ये पार्क में ही घूम रहे थे हम, तब मैंने इसको बोला एंजल को कि चल एक वीडियो शूट करो ताकि हम बाद में देखें फिर कैसा पार्क है, कैसी हमारी वीडियो आई है। तो उस टाइम जैसे हमने वीडियो शूट की, टाइम काफ़ी हो रखा था, अंधेरा होने वाला था, तो उस टाइम भी काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी आ गई। ये देखो परी भी आ गई यहाँ पे, यहाँ पे हमने चारों तरफ घूमे, निरीक्षण किया, मतलब पार्क काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इसमें झूले वगैरह सब कुछ है, बच्चे बड़े सब एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फियर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्क में भी जाएं, मस्ती करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद वेगस मॉल का आप मज़ा ले सकते हैं। अभी पार्क में से जाने के बाद हमने सोचा कि चलो अब वेगस मॉल चलते हैं। देखो मेरे फेस पे अंधेरा आ गया और अब जो है दिन छिपने वाला था, ये टाइम था लगभग 6-7 बजे का टाइम होगा, ये हल्का हल्का सा जो है गर्मी काफ़ी थी बट यहाँ पे जाके हमें इतनी गर्मी नहीं लगी। ये अब हमने स्टार्ट किया अपना वेगस मॉल में आने का, ये वेगस मॉल में आ गए हैं हम, ये यहाँ से इधर एंट्री है गाड़ी की पार्किंग के लिए। अभी आप देखना आगे से इसमें लॉस्ट वर्ल्ड मिलेगा, याद नहीं है लॉस्ट वर्ल्ड, तो माय गॉड इतना अच्छा सजा रखा है ना, सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, पिक्स लेते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, इवन शॉपिंग भी करते हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत। देखो ये आ गया लॉस्ट वर्ल्ड, ये लिखा है ना द लॉस्ट वर्ल्ड, इसमें ग्रीन कलर की जो घास है उससे बना हुआ है ये रास्ता, सभी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। तो अब हमारी गाड़ी जो है टर्न हो गई है, ये बेसमेंट में जाना पड़ता है गाड़ी को पार्क करने के लिए,
वो भी ये समझ लो B4, B3, B4 इस तरह से बी बेसमेंट बने हुए हैं। वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए हमें जाना पड़ा, मतलब गाड़ी पार्क करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर गाड़ी को लेके आओ। उसके बाद चलो हमने गाड़ी तो पार्क कर दी, गाड़ी पार्क करने के बाद अब ये आ गए हम लॉस्ट वर्ल्ड के। यहाँ पे ये देखो, आपको इनके जो हेड हैं वो हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, एलिफेंट, और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे टाइगर्स हैं, ये देखो लीव्स हैं, ये ट्रीज़, ये छोटा कब देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये एलिफेंट है, इसका जो ये सूंड है ये हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं, सब कोई सेल्फी ले रहा है, कोई अंदर तक भी जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने से बिल्कुल पास से मैंने ये वीडियो शूट किया है, और एक वीडियो मैंने शूट किया है ऊपर से, वो मैंने अपनी 1 मिनट वाले शॉर्ट में डाला हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमने कुछ शॉप